Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussing various educational thinkers, Western as well as our own Indian thinkers, today I am going to discuss Pandit Madan Mohan Malviya's views on education, or we can say Pandit Madan Mohan Malviya's educational philosophy. Okay, and the lecture will be in bilingual mode, so let's start. मदन मोहन मालवीय जी, हम लोगों ने सभी ने जितना भी इतिहास पढ़ा है, हमने जितना भी इतिहास पढ़ा उसमें हम लोगों ने कई अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें से निश्चित रूप से हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ा है. महामना मदन मोहन मालवीय, उनको महामना की उपाधि दी गई क्योंकि वो इतने, महामना का मतलब महान व्यक्ति, मानव है ना, महान मानव. तो ये एक तरीके से हमारे, जब हम लोग इतिहास को पढ़ते थे तो कहीं भी ये हमेशा मुझे ये दुख रहता है, ये आश्चर्य होता है जान के कि कभी हम लोग को ये नहीं बताया गया कि ये लोग महान शिक्षाविद भी थे. यही बात मैं गांधी जी के लिए भी कहती हूँ, हमेशा से जब तक मैंने उनको पढ़ा नहीं था एज एन एजुकेशनिस्ट, मैं यही जानती थी कि वो अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने हमको, भारत को स्वतंत्रता दिलवाई. उसी तरह से मदन मोहन मालवीय जी के भी बारे में जानते हैं, लेकिन वो कितने बड़े शिक्षाविद थे. और ये तो अब सभी लोग जान गए होंगे कि BHU, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की, बहुत बड़े शिक्षाविद थे. अगर आप उनके विचार जानेंगे तो आप जानेंगे कितने सुंदर विचार थे और कितने सटीक थे उस वक्त के काल के हिसाब से, और आज भी सटीक है. ठीक है, तो उनके विचार हम लोग शिक्षा पर जानते हैं. पंडित मदन मोहन मालवीय दी पैट्रियट, है ना, वो देशभक्त थे, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद थे, स्टेट्समैन, राज्य के कार्यकर्ता थे, ओरेटर, वो बहुत अच्छे वक्ता थे, लॉयर, बहुत अच्छे वकील थे, जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे संपादक जर्नलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक थे, एंड एन अनपैरेलल्ड इंस्टीट्यूशन मेकर. मतलब उन्होंने जो BHU की स्थापना की, बहुत, मतलब कई मायनों में वो सर्वश्रेष्ठ है ना. वॉज बॉर्न एट प्रयागराज ऑन December 25, 1861. मतलब हमको ये जरूर जानना चाहिए प्रयागराज में रहते हुए कि उनका जन्म प्रयागराज में ही हुआ था 1861 में, है ना. एज ए विजनरी एजुकेशनिस्ट, उनका पास जो शिक्षा को लेकर विजन था वो एकदम यूनिक था सबसे. एमंग मालवीय जीज मैनी अचीवमेंट्स, मतलब वैसे तो उन्होंने बहुत सारा कुछ शिक्षा को दिया, बट द मोस्ट मोन्यूमेंटल वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द BHU. लेकिन उसमें जो सबसे, जो जिसको हम भुला नहीं सकते, वो ये है कि उन्होंने BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की. इन द कोर्स ऑफ हिज लाइफ टाइम, मतलब उनके जीवन काल में ही, ऐसा नहीं कि आज, BHU came to be known as a capital of knowledge. मतलब BHU को तभी उसी वक्त एक ज्ञान के क्षेत्र के रूप में, ज्ञान की कैपिटल के रूप में एक्नॉलेज किया गया अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड और इंडिया में तो निश्चित रूप से. अगर हम देखिए, जनरली हम उनकी बातें हायर एजुकेशन पे या यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे उनको पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन पे भी उनका व्यू पॉइंट था, और वो कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रणेता थे. इवन बिफोर, बहुत सारी चीजें जब आई उसके पहले वो ऐसा सोचते थे. देखिए, ही सपोर्टेड एलिमेंट्री एजुकेशन बिल मूव बाय श्री गोपाल कृष्ण गोखले ऑन 19 मार्च 1912 एंड सजेस्टेड टू रिफर इट टू सेलेक्ट कमिटी. मतलब बहुत सारा कुछ कहा गया है कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए. उन सबसे पहले मालवीय जी इस बात के समर्थक थे कि कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए. ठीक है, अब देखते हैं हायर एजुकेशन पे वो क्या सोचते थे. अकॉर्डिंग टू हिम, हायर एजुकेशन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन द क्रिएशन ऑफ एन इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड डाइवर्स नॉलेज सोसाइटी. देखिए, आज भी जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी उठाकर देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि ये कहा गया है कि हमारी सोसाइटी जो है इंक्लूसिव हो, इक्विटेबल हो और डाइवर्स, तो हमारी सोसाइटी है ही. तो अब ये बातें कही जा रही हैं, इतने साल पहले वो ये बात समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि जो उच्च शिक्षा है वो किसी भी, जो नॉलेज सोसाइटी है, जो डाइवर्स नॉलेज सोसाइटी है, उसमें इंक्लूसिव और इक्विटेबल तभी नॉलेज सोसाइटी बन सकती है अगर हायर एजुकेशन उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो, है ना. न्यू रियलिटीज ऑफ 21st century, however, has given birth to a host of complex issues and challenges in higher education, like internationalization, privatization, quality assurance, governance, fostering of research and innovation, competition for scarce human and financial resources, etc.
मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो 21वीं सदी ने जो हमको समस्याएं दी हैं, जो इतने इश्यूज दिए, इतने जटिल हैं वो विषय, इतनी चुनौतियां हमारे हायर एजुकेशन के सामने आ गई, चाहे वो अंतरराष्ट्रीयकरण की समस्या हो, या प्राइवेटाइजेशन की समस्या हो, या हम गुणवत्ता को कैसे एश्योर करें, या गवर्नेंस कैसे ठीक रखें, रिसर्च नहीं अच्छी हो रही ये कैसे सुनिश्चित करें, नवाचार को कैसे इंक्लूड करें, है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए जो कंपटीशन है उसे कैसे कोप अप करें, इन सब के बारे में वो एक व्यू पॉइंट रखते थे और इतनी दूर की सोच मालवीय जी की थी। द इंडियन विजन ऑफ एजुकेशन हैज ऑलवेज ऑलवेज इनकरेज प्लुरैलिटी ऑफ व्यूज एज वेल एज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। क्योंकि वो हिंदुत्व के प्रणेता थे, हिंदुइज्म के सहारे भारतवर्ष का उत्थान करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन विजन ऑफ एजुकेशन है, हमेशा से ही भारतीय जो दृष्टिकोण शिक्षा के लिए रहा है वो ये रहा है कि हम प्लुरैलिटी को इंकरेज करें। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग तो बात ही करते आए हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम लोग तो बात ही करते आए हैं वसुधैव कुटुंबकम्, जिसके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब है, पूरा संसार ही परिवार है, इसका मतलब कि हम सबका दृष्टिकोण सुनेंगे ना। तो ये बहुत रिच ट्रेडिशन रहा है डायलॉग का, डिबेट का। तो ये जो BHU है वो इसको सिंबलाइज करता है, उसको वो स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, किसको, हेरिटेज ऑफ एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट करेंगे, इंटीग्रेट, जोड़ कर चलेंगे, एंड रियलाइजेशन ऑफ द एसेंशियल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड व्हाइल एट द सेम टाइम प्रिजर्विंग अवर यूनिक आइडेंटिटी। और इतना करने के बाद भी हम अपनी विशिष्ट पहचान को छोड़ेंगे नहीं, यही बात न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में भी कही गई है कि हमको मॉडर्निटी को अपनाना है पर अपनी जड़ों को, अपनी रिच हेरिटेज को, रिच ट्रेडिशन को पकड़े रहना है। एज द फाइनल कम्युनिक एडॉप्टेड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन हायर एजुकेशन 2009 एम्फेसाइजेस हायर एजुकेशन मस्ट परस्यू द गोल्स ऑफ इक्विटी, रेलेवेंस एंड क्वालिटी साइमल्टेनियसली। यही थ्री पिलर की बात NEP भी करता है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, इक्विटी, क्वालिटी, रेलेवेंस। तो ये सब बातें आप समझ रहे हैं 19वीं शताब्दी के पूर्वाध में मदन मोहन मालवीय जी कह रहे हैं, और उन्होंने BHU में इसीलिए BHU की स्थापना की और BHU में सबको स्वीकृत कराया, उसके उसका उसका ट्रेडिशन, उसका कल्चर चला BHU में। ठीक है, इसके बाद और क्या कह रहे हैं वो हायर एजुकेशन पे, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन हैज कम टू बी रिगार्डेड इन एवरी सिविलाइज कंट्री एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। है ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहिए, हायर एजुकेशन कहिए, वो कह रहे हैं किसी भी देश की राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो सिस्टम होता है एजुकेशन का, उसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। और वो कह रहे हैं कि वेस्ट में जितना हम हिस्सा उस पर व्यय करते हैं, उसका बहुत कम हिस्सा हम हिंदुस्तान में व्यय करते हैं, तो उसको हमको बढ़ाना चाहिए, यही कह रहे हैं। फॉर मालवीय जी टू कीप अलाइव द सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स अवर मदरलैंड, टू सर्व अवर फेलो मैन, टू प्रमोट पब्लिक वेल्थ एंड टू बी प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस एवरी थिंग फॉर द सेक ऑफ द मदरलैंड वॉज द रियल पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि हम अपनी मातृभूमि की सेवा करें, हम अपने राष्ट्र, जो हमारे फेलो मैन हैं उनकी सेवा करें, राष्ट्रवासियों की, हम पब्लिक वेल्थ को प्रमोट करें, हम तैयार रहें कि हम कुछ भी अपनी मातृभूमि के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, यही उच्च शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आप ये भी देखिए कि ये बातें तब कही जा रही जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जब हमको स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो कितनी रेलिवेंट है, और आज भी रेलिवेंट है। थ्रू आउट हिज लाइफ ही एंडेवर टू सर्व दिस कॉज, और पूरे जीवन काल में वो अपने इसी बात के लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, फिर वो क्या कह रहे हैं, वो मतलब एंशियंट नॉलेज के तो बहुत प्रणेता थे, पर साइंटिफिक नॉलेज को भी अपनाना चाहते थे। वो मानते थे कि जब तक हम साइंटिफिक और एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपनी शिक्षा व्यवस्था में नहीं लाएंगे, तब तक हम सही मायनों में उन्नत नहीं हो सकते। तो इन्होंने अमलगमेशन की बात की कि साइंटिफिक और एंशियंट नॉलेज का हायर एजुकेशन में समांगीकरण हो जाना चाहिए, मिल जाने चाहिए दोनों आपस में। उन्होंने कहा कि मालवीय जी वॉज अ फर्म बिलीवर इन एंशियंट इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड ऑल्सो मोस्ट मॉडर्न देन अल्ट्रा मॉडर्न इन हिज फ्यूचर विजन फॉर हायर एजुकेशन। वो जहाँ एक और हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता के प्रणेता थे, पक्षधर थे, उसी तरीके से वो एक बहुत उच्च, उनका आदर्श एक फ्यूचरिस्टिक, भविष्य के प्रति भी बहुत अच्छा व्यू रखते थे कि हमको साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाना है, और यही विजन उन्होंने BHU में रखा। मालवीय जी इनिशियली फॉर्मुलेटेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिवर्सिटी टू प्रमोट द स्टडी ऑफ हिंदू शास्त्र एंड ऑफ संस्कृत लिटरेचर जनरली एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग एंड पॉपुलराइजिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ हिंदूज इन पर्टिकुलर एंड ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज इन जनरल द बेस्ट थॉट एंड कल्चर ऑफ द हिंदूज एंड ऑल दैट वाज गुड एंड ग्रेट इन द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। शुरुआत में जब इन्होंने
यूनिवर्सिटी को ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किया, तो उसको यही रखा कि हम हिंदू शास्त्र का और संस्कृत साहित्य को हम प्रिजर्व करेंगे, पॉपुलराइज करेंगे, जिससे भारतवर्ष के अभी तो विश्व भर के हिंदू जो हैं वो फायदेमंद हो, उनको लाभ मिले। बाद में वो उन्होंने अपने एजुकेशन को जब फ्यूचर जब उन्होंने उसमें साइंटिफिक टेंट जोड़ा तो उन्होंने कैसे कर लिया, अकॉर्डिंग टू हिम द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी, तब ये कहते हैं प्रमोट लर्निंग एंड रिसर्च जनरली इन आर्ट्स एंड साइंस इन ऑल ब्रांचेस टू एडवांस एंड डिफ्यूज सच साइंटिफिक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। वो कह रहे हैं ना, अब उन्होंने कहा कि नहीं, साइंटिफिक नॉलेज को भी, टेक्निकल नॉलेज को भी, प्रोफेशनल नॉलेज को भी हमें अपनाना है, कंबाइंड विद द नेसेसरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज इज बेस्ट कैलकुलेटेड टू हेल्प इन प्रमोटिंग इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज। मतलब जो देश के अंदर जो उद्योग धंधे हैं वो प्रमोट हों, वो फ्लरिश हों, उनमें बढ़िया काम हो, एंड इन डेवलपिंग द मेटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। और जो हमारे देश का जो भौतिक संसाधन है, हाँ मेटीरियल संसाधन है, उसकी उसको हम बढ़िया से बढ़िया एक्सप्लोर कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ, एंड टू प्रमोट द बिल्डिंग ऑफ द कैरेक्टर इन यूथ। जितने भी शिक्षाविद हुए हैं, देखिए कोई ये नहीं कह रहा है कि कैरेक्टर का डेवलपमेंट ना हो, चरित्र निर्माण जरूरी है उस युवा वर्ग का जिसने उच्च शिक्षा ग्रहण की हो, वरना शिक्षा का मतलब ही क्या है। बाई रिलीजन एंड एथिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, ऐसा मालवीय जी कहते थे, ऐसे उनके विचार उच्च शिक्षा को लेकर थे। फिर टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे वो क्या कहते थे, BHU इज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लीगेसी ऑफ मालवीय जी। मतलब वो जो कुछ सोचते थे उसके लिए उन्होंने BHU की स्थापना की और वो सब उसमें चलाया, वो सब वहाँ पे वो कल्चर बना। इट वॉज प्लैंड एज अ यूनिवर्सिटी वेयर हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड ट्रेडिशंस सच एज संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर वुड बी परस्यूड अलॉन्ग विद मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। वो कह रहे हैं उनको ऐसी जगह बनी जहाँ पुराना संस्कृत लैंग्वेज फ्लरिश हो रही है, साथ ही साथ आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी प्रोफेशनल नॉलेज की बात हो रही है। Where advanced research could be pursued in branches of arts and science, and where ethical education aimed at character building should be imparted. Ethical education की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है, character building बच्चे को सिखाया जा रहा है, ठीक है? तो मालवीय जी was a visionary far ahead of his time. Obviously, मतलब बहुत दूरदृष्टि थी उनके पास, वो अपने समय से बहुत आगे का देख सकते थे और उस वजह से उस दृष्टिकोण से उन्होंने BHU की स्थापना की। The vision of Mahamana was so far-sighted that he knew the basic problems of higher education as well as of the student. देखिए वो इतने बड़े विजनरी थे, इतने दूरदृष्टा थे कि वो देख पा रहे थे कि क्या बेसिक समस्याएं हायर एजुकेशन की हैं, उनके स्टूडेंट्स की हैं, और क्या समस्याएं आने वाली हैं। So he dreamt of a new kind of school for self-reliant society. इसलिए उन्होंने किस तरीके के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना की सपना देखा, जिससे कि भारतवर्ष जो है, जो समाज है, वो सेल्फ रिलायंट हो, अपने पे आत्मनिर्भर हो सके, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि टेंटेटिव पैटर्न्स ऑफ वोकेशनल स्टडीज भी चलाई जाएंगी, है ना। हिज रियलिस्टिक अटेंशन वाज वेरी कीन टू ग्रेस्प द आइडिया ऑफ एन एप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम विच कैन मीट द अर्जेंट सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ ए पुअर कंट्री। देखिए देश तब गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था, वो आत्मनिर्भर नहीं था, वो हम बहुत कुछ आयात करते थे, निर्यात का बहुत कम रह गया था कुछ। तो उन्होंने कहा ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए जो हमारे देश की, जो हमारे पूर्व देश की, गरीब राष्ट्र की जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं, जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसको वो फुलफिल कर सके, ठीक है। रिलीजियस एजुकेशन पर उन्होंने क्या कहा, वो मानते थे कि वॉट सो क्लियर एंड डायनामिक विच इज सेड एट हिज टाइम फॉर हायर एजुकेशन आर द मैटर ऑफ रिसर्च नाउडेज। मतलब जो उन्होंने उस वक्त कहा उस पर आज रिसर्च हो सकती है या होती है। उन्होंने कहा कि देयर आर सम पीपल, वो जानते थे कि कुछ ऐसे लोग हैं, आई एम फुल्ली अवेयर, मैं पूरी अच्छी तरह से जानता हूँ, हु डाउट, जो ये संशय करेंगे कि वेदर द टीचिंग ऑफ फेथ साइड बाई साइड साइंस कैन बी प्रोडक्टिव ऑफ गुड रिजल्ट। उन्होंने कहा कि जरूर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कैसे साइंस और फेथ एक साथ पढ़ाया जा सकता है। मतलब कहने का क्या है कि जरूर पढ़ाया जा सकता है और रिलीजियस एजुकेशन इंटीग्रेट की जानी चाहिए इन अकॉर्डिंग टू मालवीय जी। और उन्होंने कहा क्या कहा, नीड फॉर मॉरल वैल्यूज एंड कैरेक्टर बिल्डिंग इन हायर एजुकेशन। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में जरूर नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है, कैरेक्टर बिल्डिंग बच्चे को बताया जाए। आज हम क्या बात करते हैं, यही तो बात करते हैं कि वैल्यूज क्या है, डिटीरियोरेट हो रही है, क्षरण हो रहा है, इसलिए वैल्यू एजुकेशन की, पीस एजुकेशन की, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात होती है। क्यों? क्योंकि हमारी उच्च शिक्षा ने शनै शनै इन चीज़ों को खो दिया, जिनको हमारे दार्शनिक कह गए थे, शिक्षाविद कह गए थे कि ये उच्च शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। मालवीय रीड वाइडली द इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट। उन्होंने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े और एग्रीड करते थे वो किससे, जो मनु थे। मनु ने क्या कहा कि पांच इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है जो एक मनुष्य के पास होनी चाहिए जिससे हम दूसरों का रेस्पेक्ट जीत सकते हैं। कौन कौन सी, वेल्थ,
रिलेशंस, एज और गुड डीड। हमारे पास धन हो, हमारे पास रिश्तेदार हो, रिश्ते नाते हो, हमारे पास उम्र हो उस हिसाब की, और हम अच्छा काम करें। लेकिन जो उन्होंने पहला बताया तो चार है ना, वो क्या बताया? शिक्षा, यानी कि हम शिक्षित हों, धनी हों, हमारे अच्छे रिश्ते नाते हों, हम अच्छी उम्र के हों और हम अच्छा काम करें, तो हम जरूर सबकी रिस्पेक्ट जीत सकते हैं। मतलब एजुकेशन सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पर है। फिर टीचर पे उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू हिम अ टीचिंग यूनिवर्सिटी वुड बट हाफ परफॉर्म इट्स फंक्शन इफ इट डज नॉट सीक टू डेवलप द हार्ड पावर ऑफ इट्स स्कॉलर्स विद द सेम सॉलिसिट्यूड विद विच इट डेवलप्स देयर ब्रेन पावर। कह रहे हैं कि शिक्षण यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे शिक्षण का कार्य हो रहा है, वहाँ जरूर इस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए कि जो शिक्षक है वो बच्चे में केवल उसकी ब्रेन के पार को ना डेवलप करे, उसके हार्ट के पार को भी डेवलप करे। मतलब उसमें स्पिरिचुअलिटी हो, वो इमोशनल बीइंग हो, वो कैरेक्टर उसका बढ़िया हो, है ना। Hence it is that the proposed university has placed information of character in youth as one of its principal objects. मतलब आपको ज्ञानवान बनिए ना बनिए, चरित्रवान बनिए, ये शिक्षा का उद्देश्य है। It will see not merely to turn out men as engineers, scientists, doctors, merchants, theologians, but also as men of high character, probity and honor whose conduct through life would show that they bear the hallmark of a great university. वो कह रहे हैं कि आप इस तरीके की वो यूनिवर्सिटी हो, इस तरीके की वहाँ पढ़ाई लिखाई हो कि आप पूरी जीवन काल, मतलब पता चले कि वो BHU से उसने पास आउट किया है, ऐसा वहाँ का ट्रेडिशन हो, ऐसा कल्चर हो कि चरित्रवान वहाँ से विद्यार्थी निकले, भले वो बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ना निकले, पर चरित्रवान। इतना उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग पे एम्फसाइज किया और इस तरीके के टीचर की वो कल्पना करते थे कि वो बच्चे में ब्रेन पावर ही ना डेवलप करे बल्कि उसके हार्ट की पावर को भी डेवलप करे। और अगर हम कंक्लूड करना चाहें महामना जी के बारे में, तो टू कंक्लूड इट कैन बी सेड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मालवीय विजन एंड ग्लोबलाइजेशन रिगार्डिंग द हायर एजुकेशन। मतलब उस वक्त वो विश्व स्तरीय शिक्षा की, ग्लोबलाइज्ड एजुकेशन की बात सोच रहे हैं, जब ऐसी कोई बात नहीं थी। ग्लोबलाइजेशन तो बहुत बात का कंसेप्ट 1990 में आया है, है ना। हियर इज द टाइम वी शुड एडमायर द विजन ऑफ महामना हुज मेन कार्ड्स टू विन द लाइफ गेम वाज कैरेक्टर, इंडस्ट्री, इंटीग्रिटी। मतलब ये तीन अगर हो तो हमारा हायर एजुकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, कि बच्चा कैरेक्टर वाला हो, इंडस्ट्री मतलब उद्योग धंधा, उद्योग धंधा का मतलब होता है कार्य, डिग्निटी ऑफ लेबर हो उसके पास, और इंटीग्रिटी मतलब उसमें चारित्रिक इंटीग्रिटी हो, मतलब एकेडमिक इंटीग्रिटी की जब हम आज बात करते हैं, इंटीग्रेशन के साथ वो चले, सबको लेके चले, इंटीग्रिट उसका कैरेक्टर में इंटीग्रिटी हो, एकेडमिक इंटीग्रिटी हो, उसके पास डिग्निटी ऑफ लेबर हो, तो हम कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन सही मायनों में फुलफिल हुई इन अकॉर्डिंग टू मालवीय जी। और यही सब सोचते हुए उन्होंने BHU की स्थापना की और उस ट्रेडिशन को वहां चलाया, फ्लरिश किया। ठीक है, तो ये महामना जी के विचार रहे शिक्षा पर। सो आई हैव कंप्लीटेड वन मोर एजुकेशनल थिंकर टुडे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी एंड हिज एजुकेशनल व्यूज ऑन हायर एजुकेशन, हिज व्यूज ऑन हायर एजुकेशन। So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education and join my Telegram group too, and it is done from my side.